हम लाइफ में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ना करना चाहिए, और स्पेशली जब कोई चीज़ हम अपने शरीर के अंदर यूज़ करते हैं तो हम हमेशा चाहेंगे कि वो बेस्ट हो और प्रीमियम हो। हम बेस्ट टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, हम बेस्ट दवाइयाँ लेना चाहेंगे, हम अपने शरीर में खाने में देसी और खालिस चाहेंगे, हम चाहेंगे कि दूध मिलावटी ना हो, हम चाहेंगे कि इवन जो हम बादाम गिरी खाते हैं वो बेस्ट से बेस्ट आए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ZSR सर्कमसीजन है वो क्यों ओरिजिनल है, वो क्यों प्रीमियम है, वो क्यों बेस्ट है। और ZSR सर्कमसीजन अगर आपको फिमोसिस है और आपको अपने पेनिस की सर्जरी, मतलब लिंग जो एक आदमी का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है मेरे हिसाब से, अगर उस लिंग की कोई सर्जरी कराना चाहते हो तो क्यों आपको एक ओरिजिनल, एक प्रीमियम, एक बेस्ट डिवाइस हमेशा अपने लिए चूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो है कि ZSR जो है, ZSR सर्कमसीजन जो है, जो ओरिजिनल है, जो प्रीमियम है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसकी अनबॉक्सिंग और उसके अंदर क्या ऐसी खासियतें हैं जिससे जो पिछले 5 साल में हमने हज़ारों मरीजों में ये सर्जरी कर दी, मैंने भी करी है, बाकी जो हमारे ऑथराइज सेंटर्स हैं इंडिया में उन लोगों ने भी करी है, और क्यों इस सर्जरी के बाद मरीज़ इतना खुश रहते हैं, क्यों उनके रिजल्ट्स इतने प्रीमियम हैं। तो कम अलॉन्ग गाइज, लेट मी शो यू द ब्यूटी ऑफ ZSR ओरिजिनल प्रीमियम सर्कमसीजन। नमस्ते दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल ZSR सर्कमसीजन की अनबॉक्सिंग। ओरिजिनल ZSR सर्कमसीजन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक तो ये जो सर्जरी है ये कम्प्लीटली पेनलेस है, इसमें कोई ब्लड नहीं निकलता, इसमें कोई सूजन नहीं आती, इसकी जो सिलिकॉन रिंग है वो लाजवाब है, इसकी सिलिकॉन रिंग सेम सिलिकॉन मटेरियल से बनती है जो कि आँखों में डलता है, बायोमेडिकल लेंस लेवल का सिलिकॉन है, इसके स्टेपल्स का जो फॉल रेट है वो ऑलमोस्ट 100% है। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके डब्बे से। तो जो ओरिजिनल ZSR है वो ZSR बायोमेडिकल कंपनी है, ये डिवाइस का जो पेटेंट्स है और जो डिज़ाइनिंग है वो UK में हुई है। जिस तरह से आईफोन है जो बना तो US में है पर बनता चाइना में है, उसी तरह ZSR बायोमेडिकल ने UK की टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करके चाइना में प्रोडक्शन डाली है। ZSR बायोमेडिकल से बना हुआ ZSR सर्कमसीजन ही ओरिजिनल है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बोलते हैं कि ZSR एक टेक्निक का नाम है, ऐसा नहीं है। ZSR एक पर्टिकुलर पेटेंटेड डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी का नाम है। ये इसका बॉक्स है जो काफ़ी प्रीमियम लुक में आता है। अगर आप इसमें और तरफ देखें तो ये एक डिस्पोजेबल सर्कमसीजन अनास्टोमाइट है। बेसिकली व्हाट मींस इज कि सर्कमसीजन करने के लिए एक प्रोप्राइटरी स्टेपलर है। इसके पास WHO, GMP, CE मार्क, TUV 500, मतलब ये काफ़ी सारी जो हमारी प्रोडक्शंस होती है, काफ़ी सारी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके सारे मार्क्स है। इसके अलावा ये USFDA मतलब अमेरिका के अंदर भी यूज़ में बहुत सून आने वाला है। इवन दो ये वर्ल्ड में जो ओरिजिनल ZSR है वो मतलब इंडिया में तो अवेलेबल ही है, न्यू दिल्ली में मेरा अकेला सेंटर है नॉर्थ इंडिया में जहाँ ओरिजिनल ZSR होता है। उसके अलावा ये ZSR जो है ये मलेशिया में यूज़ होता है, इंडोनेशिया में यूज़ होता है, UAE में, सऊदी में, UAE और सऊदी में तो हमारे सेंटर से ही ट्रेनिंग होकर लोग गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में मेरे से ट्रेनिंग लेकर लोग गए हैं, मेलबर्न में मैंने स्टार्ट कराया है, श्रीलंका में मैंने स्टार्ट कराया है, नेपाल में मैंने स्टार्ट कराया है, और ओरिजिनल ZSR अब बहुत सून आधी यूरोपियन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, UK में अवेलेबल है, और अब बहुत जल्दी US के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने वाली है। ZSR में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है इसके साइजेस। आप देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ साइजेस में सबसे ज़्यादा साइजेस अगर किसी कंपनी के पास है तो ZSR के पास है। इसमें साइज 10 से स्टार्ट होता है और साइज 34 तक जाता है। सारे साइजेस होने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी पेनिस में हम हमेशा एडिक्वेट साइज़ यूज़ करते हैं।
अगर आप किसी अच्छे ऑथराइज सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मली हर साइज अवेलेबल होगा, जैसे हमारे सेंटर पे हर साइज अच्छी नंबर में अवेलेबल होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सर्जरी कर रहे हैं और सर्जरी करते करते पता चला कि पेशेंट को साइज 26 चाहिए या साइज 30 चाहिए और उसको उसके बदले में साइज 34 मिला। तो उसी तरह इसके अंदर जैसे जब उसको खोलते हैं डब्बे को तो इसके अंदर हमें एक मेजरिंग स्केल मिलता है। इस मेजरिंग स्केल से हम यूज़ करते हैं कि कौन सा साइज मरीज में इस्तेमाल होगा। जो ये मेजरिंग स्केल है, अगेन इसमें सारे साइजेस अवेलेबल है, क्योंकि मैं मोर देन 5000 केसेस कर चुका हूँ, जो लार्जेस्ट नंबर है एशिया में। मेरे को इस स्टेपलर की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली हम मेरे को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि कौन सा साइज इस्तेमाल होगा, पर जो नए बिगनर्स है या जो भी नए ट्रेनीज है उनको फिर भी इस मेजरमेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है। अब ये है इस ZSR सर्कमसीजन की प्रीमियम पैकिंग। आप देखेंगे कि जो ZSR ओरिजिनल है वो एक प्रॉपर ETO पैक में आता है। ETO पैक मतलब कि इस पैकेट के अंदर ये डिवाइस हमेशा स्टराइल मिलेगा। किसी भी कंपनी का ISO मार्क होना या इस कंपनी के अंदर ये जो हमारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये इसको एश्योर करते हैं कि जो आपका स्टेपलर है वो जब भी बाहर निकलेगा ये बिल्कुल स्टराइल होगा, बिल्कुल क्लीन होगा। इससे आपको कोई अलग से इन्फेक्शन, देखो पेनिस की सर्जरी है, ये स्टेपलर सिंगल यूज़ है, यूज़ करके डिस्पोजेबल है, इसको यूज़ करके फेंकना पड़ता है और ये स्टेपलर हमेशा इसमें अंदर क्लीन निकलता है। तो कभी भी आपको इस स्टेपलर के यूज़ से इन्फेक्शन नहीं होगा और ना ही हम इस स्टेपलर को किसी मरीज़ में यूज़ करके किसी और मरीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस स्टेपलर की जो पैकिंग है, इस पैकिंग में इसका नंबर भी होता है, इसका लॉट नंबर भी होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और इसके अंदर एक QR कोड होता है। जब इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो ये स्टेपलर की ऑथेंटिसिटी बताता है कि ये ओरिजिनल ZSR है, ये रीपैक नहीं हुआ है और एक्चुअली कंपनी से निकला है। चाइनीज़ वेबसाइट्स काफ़ी सारी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया तो हम उसको प्रॉक्सी सर्वर से एक्सेस करना पड़ता है, पर इससे हमें पता चलता है कि ये हम जो है एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जब उसको खोलते हैं डिवाइस को तो ये एक ETO डिवाइस है, तो ये बिल्कुल क्लीन निकलता है। तो नॉर्मली OT में तो हम इसको अंडर प्रॉपर ग्लव पहन के खोलते हैं। तो ये हमारा जो डिवाइस है, जो ओरिजिनल ZSR है, ये ओरिजिनल डिवाइस है। तो आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके हाथ में आता चलता है कि ये बहुत हैवी फुल मेटल का डिवाइस है, ये प्लास्टिक का डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस फुल मेटालिक है। मेटालिक डिवाइस होने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर वन फ़ायदा जो है मेटालिक डिवाइस का वो ये होता है कि इसको क्लीन करना या स्टराइल करना बहुत ईजी होता है। सेकेंड है हैवी डिवाइस का कि जो भी क्लैंप करता है, जब हम फोरस्किन को इस डिवाइस के अंदर डालते हैं तो हमको बहुत अच्छा प्रेशर मिल जाता है, जिस कारण से हीमोस्टेसिस या ब्लीडिंग नहीं होती पेशेंट को, क्लीन कट होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि एर्गोनॉमिकली, मतलब हाथ में यूज़ करने के लिए ये डिवाइस सर्जन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। इस डिवाइस के अंदर ये जो है ये हमारा लॉकिंग पिन होता है कि जब तक हम इसको नहीं निकालेंगे तब तक ये डिवाइस फायर नहीं होगा। इस डिवाइस के अंदर जो एनविल है, ये एनविल जो है ये भी जो है स्टील का बना होता है। एनविल मतलब कि ये जो हमारी प्रोटेक्शन कैप है ये भी स्टील की बनी होती है। इसका स्टील का बनने का रीज़न ये है, कई बार जब हम इसको फायर करते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि ये जो दूसरे डिवाइसेस है उसमें कई बार ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि डिवाइस फायर ही नहीं होता और उस कारण से प्रॉब्लम आती है कि डिवाइस फायर नहीं हुआ तो स्किन पूरी निकल नहीं पाती। इस डिवाइस में क्योंकि इसकी मेक स्टील की है तो इसके अंदर ब्रेकेज रेट जो है वो ज़ीरो है। मतलब जैसे हमने 5000 से ऊपर केस किए हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये डिवाइस जो है वो यहाँ से टूट गया हो या इसकी फायरिंग प्रॉपर ना हुई हो। इसकी बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है। उसका एडवांटेज एक और है, ये जो है ये सेफ्टी वॉल्व होता है। अगर ये सेफ्टी मैकेनिज्म है आपका, जैसे इसमें ग्लांस है, अगर ये डिवाइस टूट जाएगा या फायर हो जाएगा तो जो हमारा स्टेपलर है ये निकल कर इस डिवाइस के अंदर फायर होगा तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई क्वालिटी की ज़रूरी है। फिर इसके बाद ये हमारा जो होता है ये सिलिकॉन रिंग है जो इसके डिवाइस के ऊपर होती है, सिलिकॉन रिंग है जो इस डिवाइस के ऊपर होती है। और ये सिलिकॉन रिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ओरिजिनल ZSR का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिलिकॉन रिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये सिलिकॉन रिंग एक तो एश्योर करती है कि जो स्टेपल है, स्टेपल इसके अंदर जो स्टेपल्स है वो कभी भी डायरेक्टली स्किन के ऊपर नहीं आएंगे। तो जब भी आप ZSR की ओरिजिनल फोटोज़ देखेंगे तो हमेशा एक सिलिकॉन रिंग होगी और जो स्टेपल्स है वो सिलिकॉन रिंग के ऊपर होंगे।
इस कारण से इसका एप्लीकेशन रेट भी 100% है। और ये सिलिकॉन रिंग के साथ में स्टेपल फॉल, जो दूसरे स्टेपलर्स है उनमें कई बार क्या होगा कि स्टेपलर्स जो है वो फॉल नहीं करते हैं, वो चिपके रह जाते हैं। ZSR में जो फॉल रेट है वो ऑलमोस्ट 99% है, मतलब अगर 100 मरीजों में यूज़ करेंगे तो 99 मरीजों में अपने आप गिर जाएगा। कुछ मरीजों में नहीं गिरता जिनमें इन्फेक्शन है, ब्लेनाइटिस है, ज़्यादा ग्रेड का ZSR है, मतलब फाइमोसिस है, या ज़्यादा डायबिटीज और इन्फेक्शन है। उसके अलावा इसके अंदर जो ये हमारा कटिंग पार्ट है, जो हमारा ये मैं आपको दूसरे स्टेपलर में दिखाऊंगा क्योंकि ये नया स्टेपलर है। तो इसके अंदर जो हमारा ये कटिंग पार्ट है, ये भी आप देखेंगे कि इसका कटिंग पार्ट जो इसका जो इसके अंदर ब्लेड है वो ब्लेड भी बहुत हाई क्वालिटी है। तो आप देखेंगे कि जो इसका कटिंग पार्ट है या इसका ब्लेड है ये भी एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी है, बहुत शार्प है। तो इससे बहुत शार्पली स्किन कट जाती है और एक ही बार में जो है हमको एक बहुत क्लीन कट, मतलब एक ही बार में स्किन कटती है और इमीडिएटली आप देखेंगे इसके ऊपर जो स्टेपलर्स अप्लाई हो जाते हैं, इस कारण से हमको जो है एक बहुत क्लीन कट, राउंड, ब्यूटीफुल, एक परफेक्ट स्किन का जो है कट मिलता है। इसके अलावा जो ओरिजिनल ZSR है उसमें एक ब्रेक वॉल्व भी होता है, ये किसी भी और मशीन में नहीं है। ये ब्रेक वॉल्व का जो एडवांटेज है, इस ब्रेक वॉल्व का एडवांटेज है कि अगर सपोज गलती से भी इसका प्रेशर रेगुलेट करती है, जब हम मशीन को फायर करते हैं तो मशीन फायर करते ही ये स्टेपल निकल जाता है। तो इसका जो एक प्रेशर रेट है, अगर सपोज़ इसमें स्किन के अलावा कुछ भी अंदर है, सपोज़ मशीन के अंदर स्किन के अलावा ग्लांस है या पेनिस का पार्ट है, तो ये मशीन फायर ही नहीं होगी किसी भी हालत में। ये ब्रेक वॉल्व इस मशीन को फायर नहीं करने देगा और इस कारण से ये टूट जाएगी रैदर देन आपके पेनिस को डैमेज करने के अलावा। तो ZSR के ओरिजिनल सर्कमसीजन डिवाइस को यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्योर स्टील बॉडी है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इसका जो है कटर है, हाई क्वालिटी का सिलिकॉन है, बहुत हाई क्वालिटी की टाइटेनियम क्लिप्स है, हमेशा रिंग लगेगी, हमेशा रिंग उतरेगी, फेलियर रेट नहीं है। तो इस कारण से इस मशीन के एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप सर्कमसीजन के लिए सोच रहे हैं और ZSR के लिए सोच रहे हैं तो मेरा हमेशा आपको एडवाइस रहेगा कि ओरिजिनल यूज़ कीजिए, प्रीमियम चीज़ को यूज़ कीजिए, बेस्ट चीज़ को यूज़ कीजिए। और जब इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत वाजिब है और इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत मार्केट अफोर्डेबल है, इवन बाकियों से कम है, तो आप एक बेटर चीज़ को अपने लिए क्यों ना चूज़ करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट्स है तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। कमेंट्स सेक्शन में डाउट्स पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।